आज हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं दैट टाइम तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, वी फील वेरी पॉजिटिव, बट होता क्या जैसे ही वीडियो खत्म होता है हम दोबारा से जिस काम में लगे होते हैं हमारा जो स्टेट उसी डर रहे हैं उसी में वापस चले जाते हैं. सो हाउ कैन वी मेंटेन दैट स्टेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ वी कैन मेक मोटिवेशन अ वे ऑफ लाइफ. देखो दो जवाब है इसके. पहला जवाब तो ये सवाल अक्सर आता है, मुझसे भी पूछते हैं वर्कशॉप के बाद भी लोग पूछते हैं कि आपने वर्कशॉप की अब तो ऐसा लग रहा है कि आज हम दुनिया जीत जाएंगे, आज बस पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही हो जाएगा. हम कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, एक बार लगता है कि बस अब तो लाइफ में हमारे से अच्छा कोई है ही नहीं, दो दिन बाद फिर उसी तरह आरस के चपेट में आ जाते हैं. पहला जवाब तो इसका ये है कि क्या ऐसी कोई डाइट है जो हमारे शरीर के लिए बनी है कि हमने एक बार खाई और पूरी उम्र के लिए छुट्टी. आप साइंस की है नहीं है, नहीं है कोई डाइट है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं है कि हम एक बार खा ले और हमें इसमें प्रोटीन कैलोरीज और सारी एनर्जी मिल जाए लाइफ टाइम के लिए, वही उसी से चलते रहे. जिस तरह हम अपनी हमारी फिजिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, डाइट लेते हैं, फिर दोबारा एनर्जी लेते हैं, फिर हम उस बैटरी को थोड़ा सा यूज़ करते हैं, वैसे हमारी मेंटल बैटरी होती है. इसको चार्ज कैसे करें, ये अच्छी वीडियोस देख के करते हैं, अच्छे लोगों के साथ कंपनी करके करते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़कर करते हैं, म्यूज़िक सुनकर करते हैं, ये कई तरीके हैं, मेडिटेशन करके करते हैं, नींद लेके करते हैं, ये हमारी मेंटल जो बैटरी है उसे रिचार्ज करने के तरीके हैं. लेकिन ये डिस्चार्ज भी होती है, ये कंज्यूम भी होती है, उसके बाद दोबारा चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक बार लिया और काम ख़त्म. जैसे हमें फिज़िकल डाइट चाहिए वैसे मेंटल डाइट चाहिए. तो ये ऐसी कोई वीडियो मेरे पास नहीं है कि एक वीडियो बताए और वो काम ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, लोग काम क्यों नहीं करते, उसका बड़ा कारण है कि उनके पास करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है. वीडियो तो देख ली लेकिन उनके पास कोई एम नहीं है. इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि एम बनाओ, लक्ष्य बनाओ. और लक्ष्य भी नॉर्मल नहीं, नॉर्मल लक्ष्य वो होता है जो आपने नए साल को बना लिया कि अब बस मैं इस साल ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा. नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक से आप लक्ष्य बनाओ, जो हम अपनी वर्कशॉप में बनवाते हैं, भावनात्मक लक्ष्य बनाओ. आपका पेन, इमोशनली पेन और गेन उस लक्ष्य के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा, आप अटैच होने चाहिए उस लक्ष्य से. अगर आप एक बार सोच लो कि अगर यार ये पूरा नहीं हुआ ना, तो आपको अंदर मतलब आपके रोम रोम हिल जाए कि नहीं नहीं मैं ऐसा रिस्क ले नहीं सकता कि पूरा ना करूँ, तो फिर देखना आपको नींद भी नहीं आएगी, फिर आप सुबह भी जल्दी उठोगे. ये बड़ा आता है कि सुबह नहीं उठ पाता मैंने एम बनाया, अरे सुबह उठेगा क्यों भाई, तुम्हारे पास लक्ष्य है कोई? लक्ष्य है नहीं जी कोई, क्या करूँगा उठ के, पार्क में घूमना है ये कोई लक्ष्य नहीं है. पार्क में क्यों घूमना है? जिस दिन आपकी फ्लाइट की टाइमिंग होती है आप उठते हैं, आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आप उठते हैं, आपका एग्ज़ाम है आप उठते हैं, क्योंकि उस दिन आपके पास भावनात्मक लक्ष्य है. पेन और गेन आपके पास, ना करने के पेन है और करने के गेन है. तो ये दो चीज़ इसका जवाब है कि एक तो रेगुलर देखिए वीडियोस, रेगुलर पढ़िए किताबें, रेगुलर सुनिए अच्छा संगीत, रेगुलर कीजिए अच्छे लोगों की संगति, ताकि ये मेंटल जो बैटरी है, अच्छी नींद लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि चार्ज रहे. जैसे डिस्चार्ज हो तुरंत पहुंच जाइए अपने उस चार्जिंग वाले जोन में, भले किताब पढ़नी पड़े भले कुछ भी करना पड़े. और दूसरा, लक्ष्य बनाइए, फिर वो वीडियो सारी काम करेंगी जो आप देखते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं.